हैं ओनर्स की, इनसे एक मांग पत्र बहुत पहले मुझे मिला था, लगभग 1 महीने पहले, और उसमें आपकी कुछ डिमांड्स थी। उसमें कुछ डिमांड्स तो आपकी इस तरह की थी कि कुछ गाड़ियाँ ओवरलोड जा रही हैं और ओवरलोड के दुष्परिणाम हम सभी को पता है, उस पर चेकिंग होनी चाहिए थी। एक आपका ये भी कहना है कि कई बार ऐसा होता है कि किसी एक गाड़ी की चालान हुआ तो लगातार होता चला गया जहाँ जहाँ से वो गुजरा, और जिसका इनको लगा कि इनका हैरेसमेंट हुआ है। कुछ मुद्दे आपके इस बात को लेके थे कि जो फिटनेस सेंटर्स हैं उन फिटनेस सेंटर्स में कौन उसको चलाएगा, कैसे चलाएगा। कुछ उनके मुद्दे ये भी थे कि क्या क्या पावर्स पुलिस की होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए। और एक और मुद्दा आपका था कि टनकपुर में और रामनगर में कुछ ओवरलोडिंग हो रही है जिस पर इतनी चेकिंग नहीं हो रही है। आपका ये भी कहना है कि कुछ जगहों पे, कुछ स्थलों पे कांटे होने चाहिए जहाँ पे कि चेकिंग हो सके। तो इन सभी पॉइंट्स पे बहुत सकारात्मक वार्ता हुई है। DIG साहब भी यहाँ पे हैं, RTO भी हैं, एडमिनिस्ट्रेशन भी है, और आपके पदाधिकारी गण भी है। और जितने मुद्दे ऐसे थे जो फील्ड लेवल के हैं हम यहाँ बैठ के कर सकते हैं, जिनका प्रैक्टिकल सोल्यूशन हो सकता है, उन पर कंसेंसस बन गया है, उन पर हम लोग अनुपालन भी शुरू कर देंगे। एक आध मुद्दे ऐसे हैं जो कि हम यहाँ से रेज कर लेंगे, शासन स्तर के मुद्दे हैं, निर्णय यहाँ से नहीं हो सकता है, पॉजिटिव नोट पे हम यहाँ से भेजेंगे और उनका भी हल निकालने का प्रयास किया जाएगा। और इसके उपरांत आपकी ओर से भी पूरे कॉपरेशन का यहाँ पे आश्वासन दिया गया और स्मूथली ये व्यवस्था चले ऐसी वार्ता हुई। सर नैनीताल डिजाइन हो या फिर टूट फूट हो, इसमें दो चीजें हैं। जहां तक फॉल्टी डिजाइन हैं या कोई ब्लैक स्पॉट बन जाता है उसको तो हम लोग हटाते ही हैं देर सवेर। अभी ऐसा कोई ब्लैक स्पॉट नहीं है जिसपे काम ना हुआ हो, टेम्पररी या परमानेंट। कुछ तो परमानेंटली हट गए हैं, कुछ ऐसे हैं जिसमें दीर्घकालिक वर्क है, नहीं कर सकते तत्काल, और पे टेम्पररी काम हो गए हैं। अब कोई नया ब्लैक स्पॉट इमर्ज करता है तो उस पर अलग से कार्रवाई होती है। गड्ढों का जहां तक सवाल है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूर्व में समीक्षा की है, चीफ सेक्रेटरी साहब ने समीक्षा की है, सेक्रेटरी BW ने की है, जहां जहां पे फंड्स अवेलेबल थे उन सभी जगहों पे काम हो गया। कुछ जगहों पे और फंड्स की आवश्यकता हमको पड़ी, वो हमने SDMF में या फिर SDRF में इनको मांगा हुआ है। कुछ सड़कें ऐसी हैं जिसमें कि मात्र गड्ढे भरने से काम नहीं चलेगा और वो नए सिरे से ही उसमें ब्लैक टॉप करना पड़ेगा। उनके एस्टिमेट्स भी जा चुके हैं, कुछ अभी टेम्परेचर का इशू रहेगा, इस बीच हम शुरू नहीं कर पाएंगे, इन पे भी कार्रवाई हो जाएगी। थैंक यू। ठीक है।